जोहार, क्या हाल चाल? उम्मीद है सब ठीक ठाक हो गए। तो आज हम लोग जानेंगे कि रियल मशरूम जो होता है, खुखड़ी, टेक्नस खुखड़ी जिसे बोला जाता है इधर झारखंड के भाषा में, तो वही है। वो कैसे निकलता है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो देख रहे हैं कि इसमें बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा है कि किस तरह से निकला हुआ है। तो ये क्या होता है, मट्टी का, मट्टी जहाँ पे रहता है दीमक का घर, वो लोग ये गोल गोल बनाते हैं, और जैसे ही बारिश होता है तो इसमें फंगस लग जाता है। तो फंगस लगने के बाद देख पा रहे हैं यहाँ बहुत सारा छोटा छोटा था, और भी थे, बहुत सारे टूट गए हैं। तो इसी तरह का अंदर में दीमक बनाता है और पानी आने के कारण फंगस लग जाता है, और फंगस से ही ये मशरूम जो है, टेक्नस खुखड़ी जिसे बोला जाता है, मशरूम, रियल मशरूम जिसे बोला जाता है, खाने में सबसे ज़्यादा टेस्टी यही मशरूम होता है। तो देख पा रहे हैं इसी तरह से ये दीमक में फंगस लग जाता है, ये गोल सा है उसमें, और यही जमीन के दो थोड़ा सा 4-5 इंच के नीचे रहता है। उसके बाद यहाँ से ही निकलेगा ऊपर और ये बाहर की तरफ निकल जाएगा कुछ ही दिनों में। इतना बड़ा होने के बाद ये 2 से 3 दिन में इतना बड़ा हो जाएगा, 2 दिन में, और ये 1 दिन में ये बाहर निकल जाएगा। तो देख पा रहे हैं काफी जबरदस्त दिख रहा है, और इस तरह से है ये। अभी छोटा छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा तो उसके बाद ऊपर में खिल जाता है यही, और ये मशरूम, और खाने में सबसे ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो इसका बनावट जो है काफ़ी देख पा रहे हैं, और बहुत ही हल्का रहता है, कुछ इस तरह से है। नीचे से देख पा रहे हैं, नीचे में भी एक आध दो निकला हुआ है, इस तरह का निकला हुआ है चारों तरफ से। ये सब दीमक सब बनाते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे दीमक भी है, इस तरह का दीमक, दीमक भी इसमें रहते हैं, और यही सब बनाते हैं इसे, और फंगस लग के ये बाहर की तरफ निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा जानकारी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स वगैरह इस चैनल में आते रहते हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, कोई भी वीडियो में आपको ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगा। देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे तरह से निकला हुआ है, और ये मशरूम जो आपके सामने है, और ये जहाँ भी रहेंगे बहुत सारे निकलेंगे। इस तरह का 15-20 था वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग कुछ काम कर रहे थे तो ये निकला। तो देखे कि ये मशरूम भी है, तो काम करते हुए ये दिख गया हम लोगों को। अब कल फिर से हम जाएंगे उसी जगह पे, लेकिन इसे तैयार होने में लगभग 3 दिन लगेगा। 1 दिन में इतना बड़ा हो, 2 दिन में इतना बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये 1 दिन में बाहर आ जाएगा, इतना बड़ा होने के बाद। तो इस तरह का है।